भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में भिंड में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बताया कि भिंड में 19,654 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। भिंड जिले में 1,476 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जिले के 1,089 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 5 मई को शाम 5 बजे से 7 मई शाम 6 बजे तक जिले में बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं 5 मई शाम 6 बजे के बाद राजनीतिक गतिविधियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं होंगी। 5 मई शाम 7 बजे से 7 मई को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस ड्राई डे घोषित किया गया है। साथ ही कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया गर्मी को लेकर मतदान केंद्रों पर शीतल जल और छाया की भी व्यवस्था की गई है और दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आगामी 7 तारीख को भिंड संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन हेतु मतदान किया जाएगा। यह मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। इसलिए आज शाम 7 बजे से प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा। शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। मतदान के दिन 144 लागू रहेगी और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सेक्टर ऑफिसर, पुलिस मोबाइल एवं अंतिम हमारे क्विक रिस्पांस टीम वगैरह कार्यरत रहेंगी, जो कोई भी गड़बड़ी को रोकने में समय पर पहुंचने में कामयाब रहेंगी। हमारे यहाँ जो मतदान केंद्र हैं, 1,476 मतदान केंद्र हैं, इनमें से 381 क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। अधिकांश पर जिनमें नहीं रह पाएगी उनमें माइक्रो ऑब्जर्वर और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना कर सके। मतदान के समय मोबाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल नहीं ले जा सकता और 200 मीटर की परिधि में भी मोबाइल नहीं ले जा सकता। सभी को मतदान पर्चियाँ वितरित कर दी गई हैं और मतदान पर्ची के साथ पहचान पत्र जो आयोग द्वारा निर्धारित है उनमें से एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मतदान का प्रतिशत बढ़ सके इसके लिए प्राइवेट संस्थानों द्वारा अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें रेस्टोरेंट, मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स, केमिस्ट, झूले इत्यादि पर छूट की घोषणा की है। मतदान केंद्रों पर कुछ रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी विभिन्न ग्राम पंचायतों में एवं नगर पंचायत नगर पालिकाओं में की जा रही है, जिससे कि गर्मी के समय कोई मतदाता आए तो उसे कोई परेशानी ना हो सके। इस प्रकार इन सब व्यवस्थाओं से लगता है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होगा। सर, दिव्यांग मतदाताओं के लिए? दिव्यांग मतदाताओं के लिए बूथ पर व्हील चेयर रहेगी और ऐसे दिव्यांग मतदाता जिन्होंने होम वोटिंग के लिए सहमति दी थी उनके वोट डलवाए जा चुके हैं और जो बाकी मतदाता हैं उनको बूथ पर सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।